इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में होने के बावजूद भी मैं आपके पास हमेशा वीडियो भेजती हूँ, डेली वीडियो भेजती हूँ, बहुत सारे वीडियो भेजती हूँ, बहुत सारे वीडियो मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि आप लोग देखते नहीं है। क्या आपके पास छोटा सा प्यारा सा दिल नहीं है? आपका दिल नहीं पसीजता कि जो छोटे छोटे न्यू बॉर्न नाली के अंदर हुए हैं, जान के दोबारा से बच्चे हुए हैं, और उनका आपको जरा सा भी दर्द नहीं आता? आप लोग प्लीज वीडियो को देखा कीजिए, आगे शेयर किया कीजिए। आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग वीडियो देखेंगे तो तभी मेरे को पता चलेगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उस कैमरे के पीछे कितनी सारी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है आपको मालूम भी है? आप लोग तो वीडियो को देखोगे लेकिन आप लाइक भी नहीं करोगे, लेकिन मुझे तो वीडियो बनानी है, सबको बताना है कि बच्चों के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है। ये स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट डॉग मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और काफ़ी सारे स्ट्रीट डॉग को मैंने स्टरीलाइज करा दिया, लेकिन जो बाहर से स्ट्रीट डॉग आ जाते हैं उनको मैं कभी भी नहीं हटाती हूँ। हम लोग क्यों हटाएंगे? ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं क्यों हटाऊंगी? मैं तो यही चाहूंगी ना कि भी सब बच्चे खुश रहें, अपनी जगह पे रहें। जो बच्चे आ गए हैं तो मैं उनको क्यों हटाऊंगी? उनका भी मैं ध्यान रखती हूँ, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनका भी मुझे ध्यान रखना है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए। किट्टू मैं आपको दिखा देती हूँ, किट्टू अभी आगे रूम में है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ पकोड़े, कड़ी के लिए मुझे कड़ी बनानी है तो मैं बना रही हूँ पकोड़े। वीडियो पसंद आए तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, अगर आप बताएंगे तो मैं स्ट्रीट डॉग के लिए और वीडियो बना करके आपके पास भेजूंगी। मेरे पास और भी बहुत सारी वीडियो जो मैंने रात को उनको फूड दिया था, तो रात का वीडियो था वो न्यू बॉर्न का, वो भी आप देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग देखा कीजिए वीडियो को और शेयर किया कीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं स्ट्रीट डॉग के लिए, आप उनकी सेवा नहीं कर सकते तो आप उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते, तो कम से कम आप वीडियो देख करके एक लाइक तो कर ही सकते हैं। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए हमेशा मेरे साथ। इस टाइम मैं किचन में बना रही हूँ पकोड़े क्योंकि मुझे खाना बनाना है, कड़ी बनानी है, और फिर मैं बच्चों के पास जाऊँगी, आपके पास और वीडियो भेजूँगी। तो आप लोग प्लीज़ लाइक किया कीजिएगा। ये देखिए मैं बना रही हूँ पकोड़े, मैं आपको बाहर किट्टू बाहर गर्मी है देखिए, इसलिए अंदर आके सो गई है ड्राइंग रूम में। तो ये मेरी प्यारी बेटी है, मेरे सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं। आप लोग देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए, बने रहिए हमेशा मेरे साथ। थैंक यू।